हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। सो गाइस, आज की वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं डेली दो वीडियोज़ डालती हूँ, एक सुबह और एक शाम को। सुबह वाली वीडियो में हम लोग ट्यूटोरियल्स प्रैक्टिस करते हैं और शाम वाली में मैं आप लोगों को मेहंदी के डिज़ाइंस प्रोवाइड करवाती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेहंदी से पीकॉक को कैसे ड्रॉ करें वो सीखेंगे। इससे रिलेटेड एक और वीडियो मैं आप लोगों को करवा चुकी, जिसमें मैंने जस्ट आपको ना जो पीकॉक है वो ड्रॉ करना ही सिखाया था। तो इस वीडियो में हम लोग जो पीकॉक के अंदर जो फिलिंग एलिमेंट्स है वो यूज़ करना भी सीखेंगे, और पहले ड्रॉ करेंगे और फिर फिलिंग इसकी करेंगे। अब पीकॉक को, मतलब जो हमने ये बेसिक शेप बनाई है, लोग इतना, मतलब हम लोग इसे एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और बाद में मैं इसके यहाँ पे जो फेदर्स है वो जोड़ दूँगी तो आप वैसे भी कर सकते हैं। वही हैंड के जितना भी आपको साइज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर लेंगे। सो गाइस, आप ये वीडियो इन्जॉय कीजिए, और साथ के साथ मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि मेरी वीडियोज़ के साथ साथ आप लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा, क्योंकि मोटिवेशन भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताती ही रहती हूँ कि किसी भी काम को स्टार्ट करने का कोई भी पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, जो पर्टिकुलर टाइम है आज ही है। क्यों है? जस्ट एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं कि अब जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है ना, तो मुझे अब ये आता है थॉट कि काश मैंने कुछ साल पहले स्टार्ट किया होता, अब तक तो मेरा चैनल ग्रो हो जाता है ना। तो मैं वही बोलना चाह रही हूँ आपको कि आप भी कुछ सोच रहे हैं ना, तो इंस्टेंटली अभी से ही, बेशक आप 15 मिनट्स इन्वेस्ट कीजिए, हाफ एन आवर इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आप एक पर्टिकुलर टाइम उसमें इन्वेस्ट कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। आपकी ये जो थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट है ना, यही आप आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगी। कई बार हम डीमोटिवेट होते हैं और ये वाला मन में थॉट आता है, पता नहीं होगा नहीं होगा यार, मेरे बस का तो नहीं है। लेकिन नहीं, अगर देखिए, जो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा, अगर मैं ये काम कर सकती हूँ ना, तो कोई भी कर सकता है। बस क्योंकि मैंने आपसे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया तो मुझे आ गया, आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया, आप भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को भी आ जाएगा। तो मैं वही कह रही हूँ, आज ही जो है यही टाइम है जो पर्टिकुलर परफेक्ट टाइम है। तो क्योंकि 24 आवर्स ही सबके पास होते हैं, लोग ये वाला एक्सक्यूज़ देते हैं कि भाई आपको टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। टाइम तो हमें निकालना पड़ता है। आपका अपना जो टाइम टेबल है, आप वैसे खुद एडजस्ट कीजिए, उसे वैसे स्कड्यूल कीजिए कि आप डे के सिर्फ हाफ एन आवर उस अपना जो भी एम है उसे पाने के लिए इन्वेस्ट कर सके। अगर आप स्टूडेंट लाइफ से ही टाइम इन्वेस्ट करना सीख जाएंगे तो आप, मतलब आपका जो फ्यूचर है बिल्कुल ही ब्राइट होगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों ने एक्चुअली क्या होता है कि हम लोगों को टीचर्स भी बहुत मोटिवेट करते हैं उस टाइम पे, लेकिन कहते हैं ना नहीं समझ आता, तो कोई बात नहीं। लेकिन वही मैं बोल रही हूँ, आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपका एम है, डाउट मत रखिए मन के अंदर, और उसे पाने के लिए कोशिश करते रहिए। चलिए, मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक स्टोरी सुना देती हूँ। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये मेरे खुद के एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। ये स्टोरी है एक लेडी की, और मैं उनका नाम रिवील नहीं करना चाहूँगी यहाँ पर। एक्चुअली उनसे मैं लास्ट ईयर ही मिली हूँ, हम लोग साथ में एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते थे। शी इज़ अ प्रोफेसर। तो क्या हुआ, उनको, मतलब उनका एम फिल कम्प्लीट था, उनका PhD कम्प्लीट था, लेकिन क्या हो रहा था, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही थी और वो प्राइवेट जॉब कर रहे थे। लेकिन उनकी एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, क्या, कि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब वो पिछले कई सालों से स्ट्रगल कर रहे थे किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो जब कई बार एग्ज़ाम आपका नहीं क्लियर होता ना, आपको इतने सारे फेलियर्स मिलते हैं, तो बंदा जो है, इंसान है, वो डीमोटिवेट हो जाता है और वो उसे छोड़ देता है कि यार हो तो रहा नहीं है, चल छोड़। लेकिन मैं इस बात के लिए उन्हें सल्यूट करना चाहूँगी कि उन्होंने कभी भी ना जो हिम्मत नहीं हारी, और मैं अभी भी, मुझे हैरानी होती है उनको देख के कि मतलब इतना पेशेंस वो लाते कहाँ से हैं।
और वो हमें भी बड़ा मोटिवेट करते थे कि जैसे कि मैं कहती थी मैम आपको मतलब डीमोटिवेशन नहीं होता है, या फिर जब आपको लोग टॉन्ट करते हैं इतने साल हो गए हैं आपका वो पेपर क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी मतलब उनके भी वो एग्ज़ाम क्लियर हैं लेकिन उनका नहीं हो रहा था, तो वो एक ही चीज़ बोलते थे कोई बात नहीं कभी तो होगा ना, तो आपको जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रखना चाहिए, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, एक अटैम्प्ट में नहीं होगा, दो में नहीं होगा, तो मतलब क्या है इस साल क्या हुआ उनका वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। एंड जब मुझे ये न्यूज़ मिली तो आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन एट द टाइम। तो मतलब ये स्टोरी शेयर करने का एक ही एम है आप लोगों को, मैं ये बताकर मोटिवेट करना चाहती हूँ कि देखिए उन्होंने इतने सारे अटैम्प्ट दिए, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, ठीक है, बस एक ही ये होप रखी कि कभी तो वो टाइम आएगा कि वो क्लियर होगा। लोग उनको टॉन्ट करते थे, सभी करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है बस एक मन में ना रखना है, किसी को रिप्लाई नहीं देना आप लोगों को, बस आपको अपने एक्ट से अपना वो जो भी आप पाना चाहते हैं वो पा के उन लोगों को मतलब दिखाना है। तो वो भी मुझे ये बोलती थी आप साइलेंटली अपना काम करते रहिए, लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सोच लें कि हमें ये बनना है और बन जाए, ऐसा नहीं होता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत के बिना लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता है। तो आप मेहनत करिए और आपको मेहनत करने से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब हमें लेट रिज़ल्ट मिलता है तो हम डीमोटिवेट होते हैं, लेकिन नहीं, आपको मन में यही रखना है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसका फल आपको कभी ना कभी तो ज़रूर मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा पर कोई बात नहीं, मुझ में इतना पेशेंस है और मैं तब तक कोशिश करता रहूँगा जब तक मुझे वो चीज़ मिल नहीं जाती जो मैं पाना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, खुद से ही क्वेश्चन करना है कि मैं अगर कुछ पाना चाहता हूँ तो मैं क्यों पाना चाहता हूँ, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। सो गाइस अगर आप इस वीडियो को देख के थोड़ा सा भी मोटिवेट हो रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड क्योंकि मेरा ये चैनल बनाने का एक ही एम है अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करना और आप लोगों की हेल्प करना। सो गाइस अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो मैंने अपने जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और यहाँ पे स्क्रीन पे भी मैं अपना ईमेल आईडी मेंशन कर रही हूँ, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड शेयरिंग गाइस, जैसे अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा, थैंक यू।